स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कंटेनर कंटेनर के अंदर में एक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और इस एसिडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, ऊपर से वायर कनेक्ट करके रखा है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। तो ये गैस यहाँ से जा रही है और यहाँ से बबल आउट होती हुई दिखाई। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट मीन्स प्रेशर अगर 1 atm हो और H3O प्लस का कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है बाकी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने के लिए, और हमने ये मान लिया है के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होगा। ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको 0 मान लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि इसको 0 मान लेते हैं, बट होता नहीं है 0, बट हमने ऐसे डिसाइड कर लिया कि इसको 0 बोलेंगे और इसके रेफरेंस में बाकी सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। सो द SRP एंड SOP ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन टू बी 0। एट ऑल टेम्परेचर बट एक्चुअली इट इज नॉट 0। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि H2 जो था वो 2H++ 2E- में जाएगा ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड में रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा यानी कि सॉल्यूशन से H+ 2H+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव H2, दैट इज रिडक्शन। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, सो फॉर एनोड हम लिख सकते हैं एंड्स पे हमेशा मेटल होगा, तो प्लैटिनम सॉलिड, देन H2 गैस, 1 atm प्रेशर, और सॉल्ट ब्रिज के जस्ट पहले हमेशा सॉल्यूशन होता है, तो H+ एक्वस 1 मोलर, एंड देन सॉल्ट ब्रिज, और इस तरफ इसके आगे आप लिखोगे कैथोड। अगर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, सॉरी कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, अगर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ हो जाएगा एनोड, और फिर उसके बाद देखिए सॉल्ट ब्रिज के जस्ट बाद आता है H+ एक्वस जो कि होगा 1 मोलर यहाँ पे, देन H2 1 atm, एंड एंड पे आएगा प्लैटिनम सॉलिड।
मेटल्स विल बी एट एंड्स। सो अगर किसी और का कैलकुलेट करना है हमें, तो करते क्या है कि एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और उसको कनेक्ट कर दो आप जिस इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करना चाहते हो। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जीरो मान रखा है, तो ई सेल जो होगा दैट इज एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो था वो जीरो रख दो और वहां से आप दूसरा इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हो। ओके सो हम करते ये हैं, द एस आर पी और एस ओ पी ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग अ सेल यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द अदर इलेक्ट्रोड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल इज मेजर्ड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो लेट से एक एग्जाम्पल के लिए, तो हमने इसको एक इलेक्ट्रोड लिया, लेट से जिंक था इन जिंक सल्फेट, और जिंक का मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता था तो मैंने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। अब होगा ये कि जब इसके लिए आप ई नॉट सेल लिखोगे, ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, मुझे यहां पे देखना होगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट का फ्लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो, या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पे एक्ट कर रहा होगा। ये हो जाएगा ई नॉट। नाउ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है आपको, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन होना चाहिए, तो एच प्लस या पहले प्लैटिनम लिख लो, पी टी स्लैश एच प्लस स्लैश एच टू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू टू जिंक दैट इज ई नॉट ऑफ सेल। अब इसमें आप ये जानते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों जीरो है, सो माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू टू जेड एन। ई नॉट सेल आप पोटेंशियोमीटर लगा के कैलकुलेट कर चुके हो, तो जो ई नॉट सेल होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट जेड एन प्लस टू टू जेड एन। इसी तरीके से आप सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर करके आप पोटेंशियल्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल लेते हो और उसको अरेंज कर देते हो एक सीरीज में, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे। अब
ई नॉट सेल तो आप जानते थे ये पॉजिटिव आने वाला है, तो अगर ये पॉजिटिव आने वाला है इसका मतलब ये माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू टू जेड एन नेगेटिव आ रहा है, तो ई नॉट अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट जेड एन टू जेड एन प्लस टू, ये था रिडक्शन पोटेंशियल, यहां लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है जिंक का, ये आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम अरेंज कर देंगे एक सीरीज में और इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नोट कर लिया हमने यहां तक। लिखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिखो द एस आर पी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाफ सेल रिएक्शन एंड उसके लिए ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट। एल आई प्लस प्लस ई गिविंग एल आई गिविंग ई नॉट आर पी माइनस 3.05 वोल्ट। देन आता है अगला के प्लस गिविंग के माइनस 2.936 वोल्ट। देन कैल्शियम प्लस टू माइनस 2.87 वोल्ट। एन ए प्लस प्लस ई माइनस 2.71 वोल्ट। देन मैग्नीशियम के लिए यहाँ जो एल आई प्लस है, एल आई प्लस है एल आई, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देन सिंक
हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं। देखिए सॉरी HCl है, एंड सबसे आखिरी में दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने SRP के वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर दिया है। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाएंगे तब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मेटल वाइज। अब जरा हम फीचर्स की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए SRP के वैल्यूज के हिसाब से अरेंज किया है। जो सबसे ऊपर है उसकी SRP की वैल्यू सबसे कम है, जो सबसे नीचे है उसकी SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर ऊपर वाले के SRP की वैल्यू कम है तो SRP की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? कि SOP ज्यादा होगा। SOP ज्यादा होगा मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर SRP ज्यादा होगा तो मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब है रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सो लिखें हम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहला ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ SRP, ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू गेट reduced. So the element or compound will be stronger oxidizing agent. यानी कि अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। खुद रिड्यूस होगा यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बेटर होता जाएगा। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी उतना अच्छा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए, जो हमने सबसे आखिरी में लिखा है फ्लोरीन के लिए, क्योंकि फ्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये भी है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसओपी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसआरपी लिखिए, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसआरपी यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ एसओपी, जितना एसआरपी कम होगा उतना ही एसओपी ज्यादा होगा। सो ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, हेंस द कंपाउंड और एलिमेंट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। दैट सिंपली मीन्स इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस, दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई। इफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी खुद की ज्यादा है तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, और इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट बेटर हो जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल से इसे समझें, तो MnO4- गिविंग Mn+2, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आती है 1.51 वोल्ट। सिमिलरली Cr2O7 2- गिविंग Cr+3, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आती है 1.40 वोल्ट। दोनों के लिए ही मैंने लिखा है, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल अब इसमें से पूछ लिया जाए दैट विच इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने ये देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रोड में एसआरपी ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर हो जाएगा। तो किसका एसआरपी ज़्यादा है? सो क्लियरली मोर इज एसआरपी, बेटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स अपना आंसर हो जाएगा MnO4- गिविंग Mn+2, बिकॉज एसआरपी वैल्यू इसकी ज्यादा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, एसआरपी और एसओपी वैल्यूज के ऊपर। देन थर्ड पॉइंट इज दैट अगर हम ई नॉट सेल देखें, सो दैट इज ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ एनोड। अब हम ये जानते थे कि ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव चाहिए तो कैथोड माइनस एनोड पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ई नॉट एस आर पी ऑफ कैथोड हमेशा ज़्यादा होगा
ई नॉट एस आर पी ऑफ एनोड से। अब कैथोड अगर ज़्यादा होना है एस आर पी और हम जाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में हमने अरेंज किया है, तो कैथोड जो है वो ज़्यादा एस आर पी वाला है और ज़्यादा एस आर पी नीचे होना चाहिए और कम एस आर पी ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनोड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रोड हायर अप इन द सीरीज हो जाएगा एंड कैथोड एनी इलेक्ट्रोड लोअर इन सीरीज इन कंपैरिजन टू टू एनोड, एनी इलेक्ट्रोड लोअर इन सीरीज इन कंपैरिजन टू एनोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, मेटल्स विच आर हायर अप इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल्स इन लोअर इन द सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। सो मेटल्स विच आर हायर अप इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल्स इन लोअर इन द सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल जो सबसे स्टार्टिंग में देखा था वो था कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विथ जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जबकि अगर आप कॉपर को जिंक सल्फेट की रिएक्शन सॉल्यूशन में ऐड करें तो कुछ भी नहीं होता है, नो रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलेगी। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो जिंक आपको ऊपर दिखाई देगा, कॉपर आपको नीचे दिखाई देगा। ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज ऊपर जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते उनके सॉल्ट से। तो हायर अप इन द सीरीज वी हैव मोर रिएक्टिव मेटल्स और नीचे की तरफ आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, तो ऊपर की तरफ मोर रिएक्टिव है नीचे लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस हमेशा कर देगा। इसलिए ऊपर वाले मेटल्स नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, सो जिंक गिविंग जिंक प्लस टू ई माइनस, इसके लिए एस आर पी दे रखा है -0.76 वोल्ट एंड कॉपर प्लस टू गिविंग कॉपर, इसके लिए एस आर पी है 0.34 वोल्ट। अगर मुझे पूछें कैलकुलेट द ई एम एफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट
कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. फॉर्म्ड बाय यूजिंग द टू इलेक्ट्रोड्स. इन दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करके अगर हम सेल बनाते हैं तो उसका ईएमएफ कितना आना चाहिए. सो ई एम एफ ई नॉट ऑफ द सेल कैथोड माइनस एनोड ई नॉट एस आर पी कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी ऑफ एनोड. अब कैथोड अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है, इसमें पता नहीं रखा कौन कैथोड है कौन एनोड है, लेकिन अपने को समझ में आ रहा है कि माइनस ऑफ माइनस 0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट. इसका उल्टा अगर आप ले लिए होते, इसका उल्टा अगर आप ले लेते माइनस 0.76 माइनस ऑफ 0.34 तो आंसर आता माइनस 1.10. बट आप जानते थे, ये पता होना चाहिए था हमें ये कि ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव आता है, तो माइनस 1.1 तो नहीं हो सकता, तो 1.10 वोल्ट होगा. यानी कि एस आर पी ऑफ कैथोड हमेशा एस आर पी ऑफ एनोड से ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा वाले को पहले लिखो, कम वाले को बाद में रखो, और एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड कर दो, और आंसर यहां से आ जाता है ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, इस वजह से ऐसा हुआ. फिफ्थ पॉइंट On moving down the series, the electropositive nature of the metal or element decreases. And also the reactivity of metal decreases. So अभी देखा हमने metal की reactivity कम हो रही है, यानी electropositive nature कम होता जा रहा होगा और reactivity भी कम होती जा रही है. More reactive less reactive को displace कर सकता है. अब देखने को यह मिलता है कि जो hydrogen था उसके ऊपर जितने metals हैं वो हाइड्रोजन गैस रिमूव कर सकते हैं वाटर से. दैट मींस जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे इनको अगर आप रिएक्ट करा दोगे वाटर के साथ, जो कि कोल्ड कंडीशन में हो, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तब भी ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे बिकॉज मोर रिएक्टिव हैं ये. देन दूसरे जो हमारे पास हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, लेड, टिन, इनको अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे आप तब जाके H2 गैस लिबरेट होगा बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है. लेकिन वो मेटल्स जो वॉट एच के नीचे थे जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको आप कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करा के देख लीजिए. बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन तो ये वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, सो वी विल गेट नो रिएक्शन. सिक्स्थ पॉइंट, metals
placed above hydrogen can release H2 gas on reaction with dilute acid solution. So, for example, magnesium on reaction with HCl will give MgCl2 plus H2. जबकि अगर हम कॉपर का रिएक्शन देखें HCl के साथ, तो देखिए कॉपर हाइड्रोजन के नीचे था, यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, नो रिएक्शन. तो जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जो बहुत ऊपर हैं, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है टू गिव H2. जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो ना वाटर से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं ना एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड. सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के ऊपर. लिखो, depends upon electropositive nature of metal. So as electropositive nature decreases, from top to bottom the thermal stability also decreases from top to bottom. For example, barium oxide, sodium oxide, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर क्वाइट स्टेबल. इसको आप हीट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, देर इज नो डिकम्पोजिशन. बट अगर हम देखें सिल्वर ऑक्साइड को, Ag2O, विच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव Ag+ ½ O2. सिमिलरली मर्करी ऑक्साइड HgO, इट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव 2Hg+O2. यहां भी 2 लगाना पड़ेगा. सो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटल का डिक्रीज होता जाएगा, मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यह है, हीट करने पे अगर टूट जाता है तो थर्मली लेस स्टेबल है, अगर नहीं टूटेगा तो मोर स्टेबल है. चलो एक एग्जांपल लिखते हैं इसके आगे. हम कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ द सेल
मेड ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ई नॉट ए जी टू ए जी प्लस, इसके लिए दे रखा है -0.80 वोल्ट, इज ऑक्सीडेशन, एंड ई नॉट Mn(O4-2Mn) +2, 1.51 वोल्ट, दिस इज रिडक्शन. सो फाइंड द ई नॉट सेल ऑफ द सेल मेड बाई यूजिंग टू दीज टू इलेक्ट्रोड्स. वी नो दैट ई नॉट सेल कैन नॉट बी नेगेटिव, अदरवाइज सेल वर्क ही नहीं करेगा, जीरो से नीचे हो ही नहीं सकता है. तो अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब गलत है, साफ गलत है, उसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इसके अलावा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ई नॉट सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए आपको? एस आर पी चाहिए. किसका? कैथोड का. माइनस एस आर पी ऑफ एनोड. ठीक है, अब कैथोड के लिए मेरे को पहले तो इन दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में देखना होगा, और फर्स्ट वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, तो मुझे रिडक्शन में कन्वर्ट करना है. तो ई नॉट ए जी प्लस टू ए जी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट. सेकेंड रिएक्शन, ये रिडक्शन ही दे रखा है, ई नॉट एम एन ओ फोर माइनस टू एम एन प्लस टू, दैट इज 1.51 वोल्ट. अब दोनों में से जो ज्यादा होगा ऑब्वियसली दैट विल बी द कैथोड, तो ई नॉट सेल हो जाएगा. अब देखो डिसाइड हो गया, दिस शुड बी द कैथोड. वाई? बिकॉज एस आर पी वैल्यू इसकी ज्यादा है, जिसकी एस आर पी वैल्यू कम है वो हो जाएगा एनोड. तो ई नॉट सेल होगा एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, 1.51 माइनस 0.80. आंसर आ गया यहां से 0.71 वोल्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें एस आर पीज को, और फिर उसके बाद एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड लगाना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेक द फॉलोइंग. सेल इज फिजिबल और नॉट. चेक द फॉलोइंग, सेल इज फिजिबल और नॉट. तो आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो और पूछा गया है ई नॉट ए जी टू ए जी प्लस -0.80 वोल्ट, ई नॉट सी यू सी यू प्लस टू, ये दे रखा है -0.34 वोल्ट. बताना है दिस सेल इज विजिबल और नॉट. तो इस केस में देखो, आप पहले तो मुझे सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में करना चाहिए,
सो ई नॉट ए जी प्लस टू ए जी, कैसे समझे रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं? देखो प्लस वन से जीरो जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्या यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0.80 वोल्ट। देन सेकेंड वन को भी रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना होगा, प्लस टू से जीरो में जाएगा तो ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट। अब दूसरी साइड जो दे रखा होता है, यानी कि राइट साइड में जो दे रखा होता है वो होता है कैथोड, और लेफ्ट साइड में जो दे रखा होता है वो होता है एनोड। तो ई नॉट सेल के लिए मुझे लिखना होगा एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। कैथोड यहाँ पे कितना था रिडक्शन पोटेंशियल, ये था 0.34 वोल्ट। माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना था, ये 0.80, और वैल्यू यहाँ से आ गई -0.46। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नॉट फिजिबल, ये चलेगा नहीं इसका। लेकिन अगर आपने कनेक्ट कर दिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि आप इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहे हो तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, इस हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है तो फ्लो तो होगा करंट, बट आपने जो कैथोड माना है और जो एनोड माना है वो आपने गलत मान लिया है एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं। बट इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से पूछ रहा है फिजिबल है कि नहीं, अगर कैथोड में इसको लूँ, एनोड इसको लूँ, कैथोड इसको लूँ, तो जवाब है नहीं, फिजिबल नहीं होगा उस केस, बिकॉज ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब नॉट फिजिबल। लेकिन अगर आप इसका उल्टा लगा दोगे तो कुछ बात बन जाएगी। ओके इसके आगे बात करेंगे, नोट कीजिए यहां तक। कैलकुलेशन ऑफ ऑफ एस आर पी ऑफ एन इलेक्ट्रोड फ्रॉम द गिवन एस आर पी वैल्यूज ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। तो अगर एक इलेक्ट्रोड है जिसका एस आर पी वैल्यू निकालना है दूसरे इलेक्ट्रोड्स का यूज करके, तो हमें यहाँ पे वापस से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को। लिखो द गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ सेल और इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशनशिप, फॉर अ सेल डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर आप सेल के लिए लिख रहे हो तो ई नॉट सेल हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। डेल्टा जी नॉट जो है वो नॉन पीवी वर्क जितना भी होगा उसको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो सेल के अंदर में जो वर्क है, जो बैटरी के अंदर में वर्क है, वो पूरा का पूरा है इलेक्ट्रिकल वर्क, तो नॉन पीवी वर्क है। तो डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी गिव्स द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क, मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क इज गिवन बाय डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट। यहां पे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल और इलेक्ट्रोड रिएक्शन। और एफ एफ जो है इसको बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट,
नाउ दिस फैराडेज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 96500 कूलम, और एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 96485 कूलम। फैराडेज कॉन्स्टेंट आता है, इसको आप ऐसे भी लिख लो, दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है इसको कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और 1 मोल कितना था 6.02 × 10⁻²। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाता है 96485, विच इज नियरली इक्वल टू 96500 कूलम। उसको कहते हैं एक फेरेड, एक फेरेड का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96500 कूलम। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट, यहां पे ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको आप लिख लीजिए ये नोट लगा के। पहला, ईएमएफ इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। And does not depend mass and size. So we cannot add or subtract E naught values of two reaction to calculate E naught of any other reaction। कुल मिला के सीधी सी बात यह है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एक का E naught पता है, दूसरे का E naught पता है, तो ना इसको एड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सीधा सीधा आप एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते EMF को। इसीलिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकाले, बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। So second point we will write, delta G is an extensive property. That means it depends on mass and size. So we can add or subtract delta G values of two reactions. So, करना आपको यह है, अगर आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्शन को एड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ईएमएफ यूज करके डायरेक्टली एड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करें, हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लेंगे डेल्टा जी, और फिर डेल्टा जी को हम एड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर फाइनली डेल्टा जी से ई नॉट निकाल लेंगे। ये होगा हमारा प्रोसेस अगर दो रिएक्शन यूज करके थर्ड रिएक्शन के लिए हमें ईएमएफ फाइंड करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझें इसे, ओके लिखो, नोट कीजिए यहां तक और लिखिए एग्जांपल। कैलकुलेट E naught of Cu plus 2Cu. Given that E naught Cu plus 2Cu equal to 0.337 volt and E naught Cu plus 2Cu plus 0.153 volt.
तो देखिए ई नॉट दिया हुआ है सी यू प्लस टू से सी यू, सी यू प्लस टू से सी यू प्लस, सी यू प्लस से सी यू का चाहिए। तो अगर हम रिएक्शन वाइज देखें तो हमें देखिएगा सी यू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिविंग कॉपर, और इसके लिए ई नॉट है 0.337 वोल्ट। तो डेल्टा जी निकाल लेते हैं, इसको बोल देंगे डेल्टा जी वन। ये हो जाएगा माइनस, इसको ई वन कर देता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट वन। नाउ दो इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो एन की जगह आ जाएगा 2 × F × 0.337। पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव रहने दिया, रिएक्शन नंबर वन। देन रिएक्शन नंबर टू, सी यू प्लस टू प्लस ई गिविंग सी यू प्लस, इसके लिए है ई नॉट 2 × 0.153 वोल्ट। डेल्टा जी नॉट टू इज माइनस एन एफ ई नॉट टू, एन की जगह रखेंगे 1 × F × 0.153 वोल्ट। नाउ इन दो रिएक्शन को यूज करके मेरे को चाहिए सी यू प्लस से सी यू वाली रिएक्शन, तो इन दो को यूज करके मैं लिखूंगा दूसरे पेज में। देखो सो हमें चाहिए सी यू प्लस गिविंग, इसके लिए चाहिए ई नॉट थ्री दैट इज अननोन। डेल्टा जी नॉट थ्री इज माइनस एन एफ ई नॉट थ्री। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्वॉल्व है, तो आप लिख सकते हो 1 × F × E3। अब पहली दो रिएक्शन को यूज करके आप थर्ड रिएक्शन लाओगे कैसे? तो सी यू प्लस टू नहीं चाहिए, इधर सी यू प्लस टू है, इधर सी यू प्लस है। सेकेंड वाली रिएक्शन को अगर आप माइनस कर दो तो ये मैं कह देता हूं थर्ड रिएक्शन। तो मैं कह रहा हूं थर्ड रिएक्शन कैसे आएगी? सो फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स थर्ड, फर्स्ट वाली रिएक्शन में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड आ गया। डेल्टा जी के टर्म्स में आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा जी वन माइनस डेल्टा जी टू इक्वल टू डेल्टा जी थ्री, या डेल्टा जी नॉट कर दो, जी नॉट वन जी नॉट टू जी नॉट थ्री। डेल्टा जी नॉट वन कितना था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, 0.337 माइनस ऑफ माइनस 1 × F × 0.153 माइनस 1 × F × E03। E03 इक्वल टू यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाना चाहिए इधर से माइनस, अगर हम कैंसिल कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 × 0.337 माइनस 0.153 दैट इज इक्वल टू E03 0.521 वोल्ट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। कैलकुलेट ई नॉट MnO4 माइनस से MnO2, ये आपको पूछा गया है और गिवन है
ई नॉट एम एन ओ फोर माइनस एम एन प्लस 1.51 वोल्ट, और दे रखा है ई नॉट एम एन ओ टू टू एम एन प्लस 2 1.23 वोल्ट। मैंने अभी एक एग्जांपल आपके सामने करके बताया, ट्राई करो जल्दी से इसको और बताओ क्या आंसर आता है। देखिए हमें रिएक्शन लिखना होगा। सो एम एन ओ फोर फर्स्ट रिएक्शन को देखें, एम एन ओ फोर माइनस से जा रहा है एम एन प्लस 2 में। आप तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के चेंज पे ध्यान दीजिए, मैग्नी एम एन जो था वो +7 में था, यहाँ +2 में आ गया, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए यहाँ पे। सो +7 से +2, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप दूसरी तरफ H2O लगा दो, तो 4H2O एसिडिक मीडियम चाहिए, तो यहाँ 8H+ आ जाएगा। इसके लिए देखिए डेल्टा जी नॉट कितना आएगा, डेल्टा जी नॉट यहाँ पे आता है, इसको डेल्टा जी नॉट 1 कह देंगे, माइनस एन एफ ई नॉट। एन कितना था, तो 5 माइनस 5 इंटू एफ इंटू 1.51। दूसरी रिएक्शन एम एन ओ टू से एम एन प्लस 2 बैलेंस करना है इसको। इलेक्ट्रॉन देखिए, तो मैग्नीज यहाँ पे +4 में था, +4 से +2 में गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। 2H2O तो इधर आ गया 4H+। और इन दो रिएक्शन को यूज करके आपको थर्ड रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा जी नॉट 2 हो जाएगा, -2 इंटू एफ 1.23, और इनको यूज करके मेरे को चाहिए एम एन ओ फोर माइनस से एम एन ओ टू, एम एन ओ फोर माइनस से एम एन ओ टू। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन मैंगनीज +7 में था, +4 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज किधर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सीजन के लिए 2H2O, और फिर दूसरी तरफ आ जाएगा 4H+। ओके, तो ये अपना टारगेट है, इसको बोल दो डेल्टा जी नॉट 3 माइनस एन एफ ई नॉट। एन कितना आ जाएगा यहां पे, -3 इंटू एफ इंटू ई नॉट 3, जो मेरे को फाइंड करना है। अब थर्ड रिएक्शन लाया कैसे जाए फर्स्ट सेकेंड यूज करके, तो देखो एम एन ओ फोर माइनस रिएक्टेंट साइड में चाहिए और एम एन ओ टू चाहिए प्रोडक्ट साइड में, तो 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थर्ड आ जाएगा। सो वी कैन राइट थर्ड इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, दैट इज डेल्टा जी 3 इक्वल टू डेल्टा जी 1 माइनस डेल्टा जी 2। डेल्टा जी 1 कितना था यहाँ पे, -5 इंटू एफ इंटू 1.51, माइनस ऑफ -3 इंटू एफ इंटू 2 था, -2 इंटू एफ इंटू 1.23, और डेल्टा जी 3 कितना था, -3 इंटू एफ इंटू ई नॉट 3। ई नॉट 3 एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लो जल्दी से और बताओ कितना आ रहा है।
माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस थ्री, माइनस माइनस कर देंगे, कैंसिल, वन पॉइंट सिक्स नाइन वोल्ट एंड दैट विल बी द आंसर हियर. या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ई नॉट थ्री इक्वल टू एन वन इंटू ई वन माइनस एन टू इंटू ई टू डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू. इससे भी कर सकते थे बट फर्स्ट मेथड ज़्यादा कंसेप्चुअल मेथड है, ज़्यादा अच्छे से उससे समझ में आ रहा है. और यहाँ पे अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है तब के लिए है, मान लो आपने ऐड करके निकाला है तो फिर ये रिएक्शन, ये वाला मेथड नहीं लगेगा. तो ये कुछ जगह पे, एक ही जगह पे लग रहा है, ये हर जगह लगने वाला नहीं. जबकि जो हमने इसका पहला मेथड देखा डेल्टा जी यूज करके, वो हर जगह लगेगा. नोट लिखेंगे एक, वन इफ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव तो हम जानते थे कि देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. सेकेंड पॉइंट, ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इट डज नॉट चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द रिएक्शन with any coefficient, but delta G naught is extensive property, so it changes. So for example, if we see zinc plus 2 तो E नॉट इफ इतना है तो डेल्टा जी नॉट कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो माइनस टू इंटू एफ इंटू माइनस जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट सेवन नाइन, ये हो जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू. अगर टू से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन को, सो वी गेट टू जिंक प्लस टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन Giving 2Zn. E नॉट की वैल्यू अभी भी उतनी ही रहेगी बिकॉज ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. बट डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप देखें तो n यहां पे अब चेंज हो चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू एफ थर्ड पॉइंट. Delta G naught equals to the maximum amount of useful work which can be obtained from a given cell, that is delta G naught equal to minus nf e naught of the cell.
एंड फॉर अ इलेक्ट्रोड। अच्छा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल, तो सेल के अंदर में पीवी वर्क यूजफुल वर्क नहीं है, इलेक्ट्रिकल वर्क यूजफुल है, तो डेल्टा जी मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क लिखा था, वो भी सही है, ये भी सही है। फॉर इलेक्ट्रोड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आपको एक इलेक्ट्रोड दे रखा है 5e- + 8h+ गिविंग Mn+2 + 4H2O, और इसके लिए E0 MnO4 - 2Mn+2 इज 1.51 वोल्ट, तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन विच इज 5 हियर इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज हियर 1.51। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए भी डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं और पूरे सेल के लिए भी निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फॉर अ सेल रिएक्शन एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कैंसल्ड आउट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेल रिएक्शन। सो अगर आप सेल रिएक्शन इस तरीके से लिखें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एन एनोड जिंक जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड Ag++ e- गिविंग Ag। अब इसको आपको ऐड करना है, ऐड करना है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा, तो सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा जिंक +2 Ag+ giving 2 Ag+ zinc+2। अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा जी निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिख ही नहीं रहा यहां पे, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस रिएक्शन में कैंसिल आउट हो गए, कितने कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा एन, यहां पे एन की वैल्यू हो गई 2। लिख लेना, सिंस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड इन दिस रिएक्शन, सो एन इक्वल टू 2। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट whether the following equation will take place or not. So copper +2H+ aqueous giving copper +2 aqueous प्लस एच टू गैस। अब गिवन ये है ई नॉट सी यू +2 to Cu, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए 0.34 वोल्ट, एंड ई नॉट H+ to H2 इक्वल टू 0। तो बताना है ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं,
होगा या नहीं होगा, इट विल टेक प्लेस और नॉट. इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है वेदर दिस रिएक्शन इज विजिबल और नॉट. रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, आंसर मैं बता देता हूं. तो देखिए कॉपर जो था, अगर हम अलग अलग देखें तो एनोड की रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, मैंने पहले भी बताया. तो कॉपर से कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ई नॉट कितना दे रखा है, ई नॉट सी यू प्लस टू टू सी यू, दैट इज 0.34. बट मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्या प्लस टू से जीरो? हाँ. देन कैथोड के अंदर में 2H प्लस गिविंग 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, ये रिएक्शन हो रही है. इसके लिए E नॉट अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा प्लैटिनम, देन H प्लस 2H2 रिडक्शन पोटेंशियल, ये होगा 0 वोल्ट. E नॉट सेल इज SRP कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड होता है. कैथोड के लिए 0 है और एनोड के लिए है माइनस 0.34 था, रखो तो ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया. यहीं से समझ में आ रहा है कि फिजिबल नहीं होगा. बट अगर आप डेल्टा जी के टर्म्स में भी देखना चाहते हो तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस NF ई नॉट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल हो रहे हैं वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, इंटू एफ इंटू माइनस 0.34, ये हो गया पॉजिटिव. अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉट स्पॉन्टेनियस होगा. This will be non-spontaneous reaction. एक नोट लिख लेना. If रिएक्शन इज नॉट इन स्टैंडर्ड स्टेट, देन यूज ई सेल, एंड इफ रिएक्शन इज इन स्टैंडर्ड स्टेट यूज E नॉट सेल. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन गिवन E नॉट Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2 इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन सेवन वोल्ट, ई नॉट अरे रिएक्शन तो लिया ही नहीं मैंने, रिएक्शन है 2Fe+3 प्लस 2I- गिविंग 2Fe+2 प्लस I2.
सो आपको डिसाइड करना है कैथोड कौन है, एनोड कौन है, और फिर आप इनोड सेल निकाल के देख लो, या फिर आप डेल्टा जी निकाल के चेक करो। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैथोड होना चाहिए जो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 2Fe+3 से जा रहा होगा Fe+2 में, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एनोड यहां पे होना चाहिए, देखो 2I- इससे बन रहा है I2, तो अब I- तो इधर है तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए। सही जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट भी हो रहे हैं। तो मुझे चाहिए अगर E0 सेल, तो मुझे चाहिए होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जो कि है Fe+3 से Fe+2 माइनस E0 I-2I2। सो Fe+3 से Fe+2 सीधा सीधा दे रखा है 0.77, माइनस I2 से I- दे रखा है देखो क्वेश्चन में, तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, मतलब माइनस ऑफ 0.54 I2 से I-, I2 से I-, I- से I2, मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, हो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना था, I2 से I-, सही है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो ये आ जाता है 0.23 वोल्ट। E0 सेल भी निकाल लिया हमने, E0 सेल इज पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज फिजिबल।